दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड़। दोस्तों, आज बचपन की कुछ कहानी लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये उदयपुर की ग्राम पंचायत बड़ी है और आपको बता दूँ कि एक ज़माना था जब 1992 और 93 के दशक में यही वो सरोवर है, छोटी सी तलाई जिसको कहते हैं, इसी तलाई के किनारे हम कभी गधों को लाद कर, मेरी मासी यहाँ ईंट का भट्टा पकाया करती थी और हम लोग यहाँ पर गांव के, ये बड़ा गांव है, इस गांव में कई मकान ऐसे जहां हम ईंटें डालते थे गधों के माध्यम से। और आज भी वो दिन याद आते हैं, इस तलाई वाले दिन, और बचपन की वो यादें आती है, कैसे हम मजदूरी किया करते थे उस समय, कितना संकट था, एक एक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल था। ईंटें निकालते तो ईंटों का भाव भी उस समय 400 रुपये हज़ार था। ईंटें निकाले, ईंटों को पहुँचाए, ईंटों को पहुँचाने का इस स्थान से दूसरे स्थान पे भी 200 से 250 रुपये हज़ार का था, जिसमें 1000 ईंट उठाने में शायद हमारा पूरा परिवार लग जाता था, तो कहीं 1000 ईंट हम उठा पाते थे। 200 से 250 रुपये की उस समय भी हमारी मजदूरी होती थी। बहुत ही दुखों के दिन जो है वो यहाँ याद आते हैं कि इसी तलाई में इसका पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था, क्योंकि अब तो नाली अब बनी है, पहले तो क्या इसके अंदर एकदम नाली नहीं थी, साफ सुथरा पानी था, पानी का संकट था, यही भरी रहती थी। इसी पानी से हम लोग ईंटें, मेरी मासी जो है ईंटें बनाया करती थी और हम लोग यहाँ पर गधे लेके आते थे सुबह सुबह और गधों के माध्यम से लाद कर ये आस पास के जो मकान जितने बने हैं उन मकानों में हम ईंटें पहुँचाने का काम करते थे। और ये यादें आज ताज़ा फिर हुई है, जब भी आता हूँ तो याद करता हूँ उस पुराने अतीत को, भविष्य को याद करता हूँ कि हमने, हमारे साथ क्या क्या गुजरा है, किस प्रकार से बचपन का जीवन रहता है। हर आदमी दुख के घर से जन्म लेता है, हम भी उसमें से एक हैं, लेकिन आज उस समय नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कभी सामाजिक काम करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। आज भक्ति और शक्ति और संस्कृति चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागृत करते रहता हूँ और आप लोगों को उस दौर में भी ले जाता हूँ कि जीवन जीना इतना आसान नहीं है, कई विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसको प्रेम से जियो, अच्छे से जियो, खुद जियो, दूसरों को जीने की सीख दो, बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आओ, व्यसन छोड़कर, नशा पता छोड़कर मानवता की ओर आओ। दो दिन की ज़िंदगी है, दो दिन का मेला है, न जाने फिर कब क्या घटना घटेगी, क्या होगा हमारे साथ, कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का। सभी भक्तों को एक बार फिर हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।